हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ रिंकल मल्होत्रा। काफ़ी टाइम से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ वेडिंग सीज़न। तो आज मैंने एक ऑयल का आपको मैं रिव्यू देना चाहती हूँ, जो कि मैंने अभी अमेजोन से ही अपना ऑयल एक मंगवाया है, जो कि इसका आपके साथ ही मैं इसका ओपन करूँगी और इस मतलब इस पैकेजिंग को ओपन करेंगे और इस ऑयल का क्या क्या यूज़ है और कितने का ही पड़ा, फुल डिटेल के साथ मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून्ड। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक भी कर देना वीडियो को। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो ये है वो ऑयल और इसको अब ओपन करते हैं। इसके मैंने काफ़ी बेनिफिट सुने हैं, तो इतने ऑयल्स हम ट्राई करते हैं तो क्यों ना इसको भी ट्राई किया जाए। जिनके बाल कम हैं, इसमें कहा जाता है कि इससे हेयर ग्रोथ अच्छी होने लग जाती है। और इस तरह से ये बस मुझे रिसीव हुआ, इसका बिल होगा। ये इसका ब्रांड का नाम यहाँ पर ये मेंशन है, जो कि है मात्रा से मैंने मंगवाया है। और ये है ये ऑयल, ये आप देख सकते हैं आयुर्वेदिक है, ये ब्रिंग राज ऑयल है फॉर हेयर ग्रोथ। जिनकी हेयर ग्रोथ कम है, आई थिंक उनको ये डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मैं भी इसके अपने क्लाइंट से काफ़ी अच्छे इसके रिव्यू सुन चुकी हूँ। तो इसका MRP प्राइस इसमें मेंशन देखती हूँ कि है कि नहीं। आई फॉरगॉट, जस्ट वेट मिनट। तो इसका MRP प्राइस है 345 और ये मुझे आई थिंक 320 का ही पड़ा है अमेज़ोन से। मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। और इसके इंग्रेडिएंट की तरफ चलें तो इसमें सनफ्लावर ऑयल और सेसमिन सीड, कैलेस्ट्रोल ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऐसे कई ऑयल्स का मिक्सचर है जो कि इसमें मिक्स किया गया है और अच्छे अच्छे ही ऑयल हैं। तो इसको हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे और आपके साथ मैं इसको अप्लाई करके दिखाने भी वाली हूँ कि किस तरह से इसका टेक्स्चर और फॉर्मूला है। सो इट्स टाइम फॉर ऑयलिंग। ऑयलिंग कर लेते हैं, बहुत टाइम से बालों का कुछ भी केयर नहीं की है। तो ये ऑयल की पैकेजिंग मैंने आपको दिखाई थी, इस तरह से मैंने इसको ओपन कर लिया है और मैं इसको दिखा देती हूँ किस तरह से इसके। ये बिल्कुल देखने में ऐसा है जैसे कि कैस्ट्रोल ऑयल होता है ना, मेरे को इसमें मैंने देखा था कि इसमें बता रहे थे कि इसमें बस हेयर्स पे आपको ये चिपचिपा नहीं लगेगा, इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी है, मैं आपको दिखा दूँ। तो इसको लगाना शुरू करते हैं और मैं इसका आफ्टर वॉश देखूँगी फिर ये कैसा लगता है, क्योंकि पहले से मेरे बाल काफ़ी हल्के हो गए हैं। लॉन्ग तो ये हो जाते हैं बट ये कलर वगैरह भी तो इन चीज़ों को डैमेज करता होगा, तो ऑयलिंग तो करनी चाहिए। गर्मियों में तो चलो हम ऑयलिंग नहीं करते क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा स्वेट और हेडेक वगैरह हो जाता है, तो लेकिन सर्दियों में तो हमें ऑयलिंग करनी चाहिए। तो अब ये बस ये आज ओवरनाइट रहेगा और कल इसको हम वॉश कर देंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपने ओवरनाइट रखना, आप इसको 2-4 घंटे लगाएं और इसको फिर वॉश कर लें। तो मैं इसको जनरली फ्रंट स्कैल्प में ज़्यादा लगाती हूँ, क्योंकि फ्रंट स्कैल्प हमारा इतना जो स्कैल्प होता है इसमें हमारे हेयर्स अकॉर्डिंग टू पीछे कम बाल होते हैं, तो हमें इसमें ज़्यादा अप्लाई करना चाहिए अच्छे से। तो फुल हेयर्स को ऑयलिंग करके मैं कंटिन्यू रहती हूँ। एंड्स पे ज़रूर लगाएं क्योंकि हमारे एंड्स काफ़ी रफ हो जाते हैं, तो हमें एंड्स में अच्छे से लगाना चाहिए। और इसकी फ्रेगनेंस की बात करें तो इसकी फ्रेगनेंस में कोई आपको इरिटेशन नहीं लगे कि कईयों की जो स्मेल, कईयों की स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, बहुत ही माइल्ड सी स्मेल है जो इसकी फ्रेगनेंस है, तो आप इसको ईजिली ओवरनाइट भी रख सकते हैं। नहीं तो कई ऑयल्स होते हैं कि इनके फ्रेगनेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है तो वो लगता है कि फटाफट निकाल दो, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसकी फ्रेगनेंस काफ़ी अच्छी आ रही है, जितनी भी आ रही है बहुत माइनर सी है। और इस तरह मैंने पूरी टेल कवर कर ली अपनी इस तरह से। आप बैक पे भी मसाज ज़रूर करें ऑयल की, क्योंकि फ्रंट और बैक पार्ट हमारा जनरली इग्नोर हो जाता है।
इस पे मैंने देखा था कि अगर जिनके ग्रे हेयर्स आने लग गए हैं उनके लिए भी ऑयल अच्छा है, कि उसके आई थिंक कहते हैं कि वो थोड़ा लाइट कर देता है हेयर्स को, कलर्स जल्दी उसका वाइट आपको शायद ना दिखे। तो मैंने भी इसको लगा लिया है। अब इसका वॉश करके मैं भी देखूंगी कि कैसा इसका रिजल्ट था और बाल हेल्दी हो जाए बस। तो आप भी इस ऑयल को लगा सकते हैं, और कोई भी न्यू ऑयल ट्राई करने में कोई भी हर्ज नहीं है, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। अब मैं इसकी अब चोटी बना लूँगी या बाल बना लूँगी, और इसको अब ओवरनाइट रखते हैं और फिर वॉश कर देंगे माइल्ड शैम्पू से। कंडीशनर की नीड होगी तो कंडीशनर अप्लाई कर लेंगे, और ये मेरी ऑयलिंग कंप्लीट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।